दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया की सबसे बड़ी पिकअप बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा का अभी तक जो पिकअप रेंज में सबसे बड़ा पेलोड कैपेसिटी वाला पिकअप आता था वो आता था महिंद्रा बोलेरो 2.0 पिकअप। दोस्तों इस पिकअप ट्रक की खासियत ये थी कि ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पेलोड कैरी करने वाला पिकअप ट्रक था। इसमें आप 2 टन तक का पेलोड कैरी करके ले जा सकते थे। अभी भी ये पिकअप ट्रक है, बट एक न्यूज़ सामने आई है, एक खबर सामने आई है, एक पिक्चर सामने आई है, एक वीडियो सामने आई है कि महिंद्रा का नया पिकअप ट्रक आ रहा है। महिंद्रा भी बनाने जा रहा है टाटा की तरह, जो टाटा की इंट्रा सीरीज आती है उसके जैसा, और अशोक लेन की जो बहुत फेमस अशोक लेन का दोस्त सीरीज, अशोक लेन का बड़ा दोस्त सीरीज, सेम इसी तरह की कॉन्सेप्ट का पिकअप ट्रक। दोस्तों बहुत ही बल्कि पिकअप ट्रक ये लग रहा है देखने में। इसको लगता है जब आप इसकी पहली झलक देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अशोक लेन के बड़ा दोस्त सीरीज को टक्कर देने के लिए आ रहा है, क्योंकि जो बड़ा दोस्त सीरीज पिकअप ट्रक है ये इंडिया में इसने पिकअप ट्रक्स को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। इसमें फुली फॉरवर्ड केबिन आता है, सबसे ज़बरदस्त इसका माइलेज रहता है, और इसका जो इंजन रहता है 3 सिलेंडर वाला रहता है, और पेलोड कैपेसिटी इसकी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी है। इसमें मॉडल आते हैं बड़ा दोस्त i1, बड़ा दोस्त i2, बड़ा दोस्त i3, बड़ा दोस्त i4, बड़ा दोस्त i5। बड़ा दोस्त जो i5 आता है ये इसका सबसे ज़्यादा पेलोड कैरी करने वाला मॉडल है। ये जो मॉडल है ये लेके जाता है 2125 केजी का पेलोड, यानी कि 2.2 टन तक का पेलोड आप इसमें लेके जा सकते हैं। महिंद्रा बोलेरो 2.0 का जो पेलोड कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 टन है, तो उससे भी ज़्यादा 200 केजी ज़्यादा आप पेलोड इसमें कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शायद हो सकता है कि महिंद्रा ने ये नया पिकअप ट्रक लॉन्च करने का मूड बनाया हो। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके आने से महिंद्रा की जो बुलेरो 2.0 है उसमें क्या अंतर पड़ेगा, और दोनों में आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बुलेरो 2.0 की जब बात करते हैं तो ये जो रहता है ये एक सेमी फॉरवर्ड केबिन के साथ आता है। इसमें जो केबिन रहता है यानी कि जो ड्राइवर की पोजीशन रहती है बैठने की, वो इंजन के पीछे रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। कोई भी एक्सीडेंट होने पर इसमें ड्राइवर को नुकसान नहीं होता है, कम चांसेस होते हैं ड्राइवर को नुकसान होने के। बट जो इसका गाड़ी का ओवरऑल लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। गाड़ी की जो लोड बॉडी की जो लेंथ होती है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, और इसमें गाड़ी का जो वजन होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अशोक लेन ने अपना जो अशोक लेन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उनके पास पहले से फुली फॉरवर्ड केबिन के साथ गाड़ियां हैं। उनका जो केबिन रहता है वो इंजन के ऊपर रहता है, जिससे उनका माइलेज अच्छा रहता है, जिससे उनकी जो गाड़ी की वेट होती है वो कम होती है, जिससे उनका जो टर्निंग सर्कल होता है, टर्निंग रेडियस होता है, बहुत संकरे रास्तों में भी गाड़ी बहुत ईजिली मुड़ जाती है। तो महिंद्रा भी ऐसा ही पिकअप लेके आ रहा है, जिसको अभी हम नाम दे रहे हैं महिंद्रा बुलेरो 3.0। दोस्तों ये जो पिकअप ट्रक है इसका जो ओवरऑल जो गाड़ी का लेंथ होगा कम होगा, लोड बॉडी का साइज बहुत बड़ा होगा, बड़े से इसमें टायर्स देखने को लग रहे हैं। सीधे सीधे इसको देख के लग रहा है कि ये टाटा 407 को टक्कर देगा, अशोक लेन बड़ा दोस्त i5 को ये टक्कर देगा। इसमें अगर लुक की बात करें तो दोनों बुलेरो 2.0 और महिंद्रा का जो नया पिकअप है लुक में पूरा चेंज है। एक आपको सेमी फॉरवर्ड केबिन के साथ, एक आपको फुली फॉरवर्ड केबिन के साथ देखने को मिलता है। दोस्तों हो सकता है जो नया पिकअप ट्रक आ रहा हो इसमें आपको D+2 यानी कि एक ड्राइवर के साथ 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था मिले, साथ साथ इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग वाला सिस्टम मिले, जिसमें कि रिमोट जैसे कार्स में सिस्टम मिलता है, इसमें टच स्क्रीन भी आपको देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको अभी तक पिकअप ट्रक्स में नहीं मिलते थे। इसमें आपको बेसिक मॉडल विदाउट AC सिर्फ ब्लोवर के साथ, और जो बड़े मॉडल रहेंगे उनमें यहाँ पर AC भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ ये पिकअप ट्रक आ रहा है। प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस हो सकता है 10 से 11 लाख रुपीज़ के बीच में कंपनी रखे, क्योंकि जो बाकी के भी कॉम्पिटिटर हैं उनके भी प्राइस रेंज सेम है। और माइलेज की बात की जाए तो माइलेज महिंद्रा को यहाँ पर कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि 4 सिलेंडर वाला इंजन इसमें यूज करते हैं या नया 3 सिलेंडर वाला इंजन इसमें यूज करते हैं। अगर 3 सिलेंडर वाला इंजन यूज करेंगे तो इसका माइलेज ज़्यादा रहेगा, और 4 सिलेंडर वाला सेम बुलेरो वाला इंजन यूज करेंगे तो थोड़ा सा माइलेज यहाँ पर कम देखने को मिल सकता है, बट टॉर्क और उसमें जो पावर रहेगी इंजन की वो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से ये लगभग 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, महिंद्रा बुलेरो 2.0 वर्सेज महिंद्रा का नया पिकअप, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।